आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न इस प्रकार से है कि हमें दिया गया है कि रासायनिक साम्यावस्था के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य कथन सत्य है, ये हमसे पूछा गया है। प्रथम कथन कहता है कि अभिक्रिया की प्राप्ति के आधार पर साम्यावस्था में हो की सांद्रता नगण्य प्राप्त हो सकती है। दूसरा, साम्यावस्था स्थिर नहीं होती। तीसरा, साम्यावस्था पर अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता नियत रहती है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इस प्रश्न को समझने के लिए हमें जो साम्यावस्था है उसके थोड़े से गुणों के बारे में जान लेना जरूरी है। साम्यावस्था में मान लीजिए कोई ए है अभिकारक, वो बी अभिकारक के साथ मिल रहा है और साम्यावस्था में वो सी और डी उत्पाद वो बना रहा है। अब ये साम्यावस्था स्थिरांक पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि साम्यावस्था स्थिरांक के का मान यदि बहुत ज्यादा है, कितना ज्यादा है, लगभग 10^3 से ऊपर आता है, तो उस समय पर जो उत्पाद होंगे उनका मान, उनका जो मात्रा होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी और जो अभिकारक की सांद्रताएं हैं, अभिकारक का मात्रा है वो बहुत ही कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया, ये निर्भर करता है कि साम्य का मान क्या है। और मान लीजिए कि अगर साम्य स्थिरांक का मान काफी कम निकल के आता है, मान लीजिए कि साम्य स्थिरांक का मान यहाँ पे 10^-3 से कम है, तो उस समय पर उत्पादों की मात्रा जो है वो काफी कम होगी और जो अभिकारक हैं उनकी मात्रा बहुत ही ज्यादा होगी। तो मैंने कहा कि ये बात जो है केवल और केवल साम्य स्थिरांक के मान पर निर्भर करती है, अभिक्रिया पर निर्भर करती है। जैसी अभिक्रिया उस हिसाब से उसका साम्य स्थिरांक होगा। यदि साम्य स्थिरांक का मान बहुत ज्यादा है तो उत्पाद का मान बहुत ही ज्यादा आएगा और अभिकारक का मान बहुत ही कम होगा और अभिकारक लगभग नगण्य होंगे और जो अभिक्रिया है वो पूर्णता की ओर जो है वो प्राप्त होगी, अगर अभिक्रिया चलेगी और वो पूर्णता की ओर प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया प्राप्ति के आधार पर साम्यावस्था में हमें अभिकारकों की सांद्रता नगण्य प्राप्त हो सकती है, ये बात एकदम सत्य है। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की, साम्यावस्था स्थिर नहीं होती है। तो देखिए, साम्यावस्था की एक गुण ये होता है कि अगर ताप नियत है, ताप नियत है, तो उस समय पर साम्यावस्था भी जो है वो नियत रहती है। पर साम्य हमेशा नियत ही रहेगा ये जरूरी नहीं है। अगर आप बाहरी कारकों में परिवर्तन करेंगे तो साम्य जो है वो बदल सकता है। तो साम्य की स्थिरता उस आधार पर नहीं होती है। अगर आपके बाहर की चीजें परिवर्तित हो रही हैं, ताप परिवर्तित हो रहा है, तो या तो इस आधार पर साम्य भी जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, ये बात और है कि साम्य नियत रहने की कोशिश करता है, तो साम्यावस्था जो है उस आधार पर स्थिर नहीं होती है, ये बात भी सत्य है। इसको भी आप बदल सकते हो, साम्यावस्था को बदला जा सकता है। तीसरी बात, साम्यावस्था पर अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं नियत रहती हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये तीसरा गुण है साम्यावस्था का कि जब साम्यावस्था आती है तो जो अभिकारक हैं, जैसे यहाँ पर हमारे अभिकारक हैं ए और बी, इनकी सांद्रता नियत हो जाएगी और इसी तरीके से सी और डी की सांद्रता नियत हो जाएगी। यानी कि जितने जो ए और बी मिलकर के जैसे ही सी और डी बना रहे, वैसे सी और डी मिलकर के ए और बी बना रहे होंगे, यानी कि इन सबकी सांद्रता नियत हो जाएगी और न बढ़ेगी न घटेगी। तो इस आधार पर हमारा जो सही विकल्प मुझे यहाँ पे दिखता है वो है हमारा विकल्प नंबर 4। तो जो हमारा सही उत्तर निकल के आता है वो आता है विकल्प नंबर 4। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।